हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। आई एम जस्ट मेकिंग दीज वीडियोज जस्ट टू एक्सेलरेट योर परफॉर्मेंस, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF एग्जाम। उसमें स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को असेस भी कर सकते हो कि किस एरिया पे आपको और मेहनत की ज़रूरत है। सो बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट दैट इज researchphd.in, इन विच यू विल गेट डेली क्विजेज एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग PhD। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम, द लिंक ऑफ फेसबुक पेज, वेबसाइट, टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। स्पीयर्समैन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन पोजीशन, रैंक, एक्चुअल पिक्चर्स या नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चंस भी हैं कुछ, कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चंस भी है, इट इज जस्ट अ ब्लेंड ऑफ बोथ। वेरी इजी, रैंक, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये हम जो है अक्सर वर्ड्स यूज करते रहते हैं। तो स्पीयर्समैन का मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन रैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव, द कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज पॉजिटिव, देन इफ यू विल रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप on a graph, then you will get which type of curve, upward, downward, vertical or horizontal, upward sloping. हमेशा जो होता है positive, जब coefficient of correlation होता है तो जो आपका graph में जो slope बनता है that is always upward। अगर मैं negative की बात करूँ, अगर coefficient of correlation अगर negative है तो आपका जो curve में relationship बनता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि पॉजिटिव में अपवर्ड होता है और नेगेटिव में डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन बाय, ये बेसिकली जो है कर्टोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, जिससे आपको कर्टोसिस के बारे में भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कर्टोसिस, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप याद कर सकते हो कर्टोसिस को। बिफोर दैट, कर्टोसिस होता क्या है, कर्टोसिस आइडेंटिफाइज वेदर द टेल्स ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। ये टेल के बेसिस पे हम कर्टोसिस को डिफाइन करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कर्टोसिस बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज यू कैन से लेप्टोकर्टिक, देन प्लेटिकर्टिक एंड मेसोकर्टिक, है ना। मेसोकर्टिक का दूसरा नाम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है, या नॉर्मैलिटी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं। एक तो आपको दिया ही हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ लेप्टोकर्टिक, फिर सेकंड दिया हुआ है आपको प्लेटिकर्टिक, और थर्ड दिया हुआ है मेसोकर्टिक, जिसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हो। अगर कार्ल पियर्सन्स की मैं बात करूँ, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करूँ, तो वो किस अजम्पशन के साथ चलता है, वो हमेशा इस अजम्पशन के साथ चलता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहा है वो, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से वो मेसोकर्टिक है। अब किस तरीके से होते हैं, मैंने आपको बताया कर्टोसिस में यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द टेल, जैसे कि यहाँ पे आपने बनाया है, एक मैंने यहाँ बना दिया, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट पेन। इस तरीके से अगर सपोज ये तीन कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो सबसे हाई आपको दिख रहा है ना, दैट इज कंसीडर्ड एज यू कैन से लेप्टोकर्टिक, ये लेप्टोकर्टिक है। इसको वैसे अगर अपन देखा जाए, लेप्टोकर्टिक अगर अपन परिभाषा बताएं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इट बेसिकली शोज दैट यू कैन से देर इज़ अ पॉजिटिव एक्सिस कर्टोसिस,
यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस कटोसिस है ये बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि कटोसिस को अगर रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे अगर मोर देन आप कह सकते हो ज़ीरो है, इफ़ इट इज़ मोर देन ज़ीरो देन यू कैन से मोर देन ज़ीरो है आपका कटोसिस, तो उस केस में आपका ये हो जाएगा लेप्टोकोटिक। अगर सपोज इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है आपका कटोसिस, तो इस केस में आपका हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपको जो दिख रहा है, दैट इज़ जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, वो आपका हो गया मेसोकोटिक, ये हो गया आपका मेसोकोटिक। अब बचा प्लैटिकोटिक, प्लैटिकोटिक होता है लेस देन ज़ीरो, तो ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, दिस इज़ प्लैटिकोटिक और ये होता है लेस देन ज़ीरो। ये बेसिकली होता है कटोसिस के अंदर। अब अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर सपोज हम अल्फ़ाबेट देखें, ए बी सी डी अगर अपन बोलें, सबसे पहले क्या आता है एल एम और पी में एल, फिर आता है एम एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि जो सबसे ऊपर है वो है लेप्टोकोटिक, देन मेसोकोटिक एंड लास्ट इज़ योर प्लैटिकोटिक। कैसे याद होगा, जो नॉर्मल अपन अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो इन दिस स्टेज अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाते हो, यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस तरीके से जो है हम कटोसिस जो है ये करते हैं, और ये टेल के बेसिस पे किस तरीके से ये टेल है आपकी, किस कितना कौन सा ज़्यादा टॉल है, कितना फ्लैट है, इसके बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि वो लेप्टोकोटिक है, मेसोकोटिक है या प्लैटिकोटिक है। और मेसोकोटिक जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन मेसोकोटिक, जिसे आप नॉर्मैलिटी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, इफ वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेस, देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर ऑपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक्स इंक्रीजेस एंड वाई ऑल्सो इंक्रीजेस देन इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन, बट यहाँ पे ऑपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज, प्राइस और सप्लाई के बीच में जो कोरिलेशन है वो कैसा है, या आप याद करिए विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस और डिमांड में क्या है, नेगेटिव, प्राइस एंड सप्लाई में क्या है, पॉजिटिव, राइट, बिकॉज इसके पीछे का लॉजिक है लॉ ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे बोलता है, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज हायर प्राइस लीड्स टू हायर क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर प्राइस लीड्स टू लोअर क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। और यहाँ अगर डिमांड होता, प्राइस एंड डिमांड होता, तो इस केस में आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, बेसिकली क्वेश्चन आपके कोरिलेशन के ऊपर ज़्यादा मैं लेके आया हूँ, इसके बाद आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मैच करना है आपको, बहुत इजी है। स्कैटर डायग्राम, पियर्सन मेथड, पियर्समैन मेथड, एक्चुअल फिगर्स, ग्राफिक मेथड एंड रैंकिंग। देखिए इसके साथ तो ये मैच हो गया, पियर्समैन रैंकिंग है ना, तो सी तो हो गया, सी दो ऑप्शंस हैं। अब अगर हम स्कैटर डायग्राम की बात करें, तो स्कैटर डायग्राम जो है ग्राफिकल मेथड होता है, तो वन का हो गया बी, वन का बी हो गया, तो आंसर हो गया इसका बी, तो और पियर्सन मेथड हो गया आपका एक्चुअल फिगर्स, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल लॉजिक से भी अपना ही हो गया। नेक्स्ट, द अदर नेम्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और कौन कौन से नाम होते हैं, ट्रीटमेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, या ऑल ऑफ द अबव। कुछ नॉलेजेबल भी है क्वेश्चन, ये आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और किन किन नामों से जाना जाता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोलते हैं, और क्योंकि इसे मैनिपुलेट करते हैं तो इसे मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, या अदर नेम्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, एक एक ध्यान से देखिएगा, आ जाते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑटोबायोग्राफीज आर प्राइमरी सेकेंडरी बोथ या नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में क्या क्या आता है। इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में आते हैं पर्सनल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, डायरीज, देख लो आप लोग,
डायरीज लेटर्स भी पर्सनल प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज विल्स है ना, इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड बाय सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ओरल टेस्टिमनी ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ये सब के सब इवन लेटर्स डायरीज ऑटोबायोग्राफीज भी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए जानबूझ करके मैं ये क्वेश्चन लेके आया जिससे आपको पता चले कि ये सब प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाते हैं। इफ द सैंपल ड्रॉन डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड, जो सैंपल है वो कोई कंडीशंस नहीं स्पेसिफाई कर रहा है उस केस में they are not specifying, the sample is not specifying any condition regarding the parameters of the population, it is called this is also simple distribution free statistics होता है, जब sample जो होता है वो parameter of the population की कोई भी condition specify नहीं करता है तो उसे हम distribution free statistics बोलते हैं। This is the last question. A research problem is feasible only when? कब feasible होगी? It is researchable. It is new and adds something to knowledge. It has utility and relevance. Yeah, all of the above. Yeah, all of these. Feasible कब कहलाता है research problem? Easy one. All of these. जब वो रिसर्च करने लायक हो उसको रिसर्च किया जा सके, कुछ न्यू नॉलेज में ऐड करे या उसकी कोई यूटिलिटी या कुछ इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस हो तब वो रिसर्च प्रॉब्लम फीजिबल कहलाएगी। सो दीज आर दी 10 MCQs दैट इज अ मिक्सचर ऑफ स्टैट्स एंड RM रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड, और ऐसे ही मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो, और साथ ही साथ थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।